कुमार तिवारी, आप लोगों के सामने एक नए वीडियो और एक नए चैप्टर के साथ आ रहा हूं। आज के इस चैप्टर में और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा सक्सेसिव डिफरेंशिएशन के बारे में। सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि सक्सेसिव डिफरेंशिएशन किसके लिए इंपॉर्टेंट है। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन उस स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो आईटी एडवांस की तैयारी कर रहे हैं। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन गेट बीटेक फर्स्ट सेमेस्टर के पूरे सिलेबस में है और आईएएस वालों के सिलेबस में भी है। इसलिए सक्सेसिव डिफरेंशिएशन सारे तरह के स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। आज हम आप लोगों को बताने जाते हैं कि सक्सेसिव डिफरेंशिएशन होता क्या है, इसको बनाते कैसे हैं और इसमें किस टाइप का प्रॉब्लम डिस्कस किया जाता है। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में हमको यह देखना है कि किसी भी फंक्शन को एन टाइम्स डिफरेंशिएट हम कैसे करते हैं। कोई भी फंक्शन, जैसे मानो तुम्हारे पास कोई पॉलिनोमियल फंक्शन, जैसे तुम्हारे पास कोई ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन साइन फंक्शन या कोसाइन फंक्शन या फिर लॉगरिथमिक फंक्शन, तो इन सब को हम nth टाइम्स डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, यही है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। तो सबसे पहले हम सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट नोटिस, जैसे y1 किसको रिप्रेजेंट करता है, dy dx। y2 किसको रिप्रेजेंट करेगा, d2y dx स्क्वायर को। y3 किसको रिप्रेजेंट करता है, d3y dx क्यूब को, डॉट डॉट डॉट। अगर हम yn पे आ जाएं तो yn किसको रिप्रेजेंट करेगा, dny dx n। तो ये जो yn है ये nth ऑर्डर डेरिवेटिव है किसका, y का। ये y3 जो है ये 3 ऑर्डर डेरिवेटिव है किसका, y का। अब हम यहां पे देखते हैं कुछ बेसिक फॉर्मूला, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे प्रॉब्लम में। सबसे पहले हम यहां पे देखने जा रहे हैं कि अगर मेरे पास कोई पॉलिनोमियल फंक्शन हो तो उसको हम कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, n टाइम्स डिफरेंशिएट करने पे क्या होता है, मैक्सिमम किसी भी पॉलिनोमियल फंक्शन को हम कितना बार डिफरेंशिएट कर सकते हैं। जैसे गौर करो, मेरे पास है y is equal to x cube, तो ये y is equal to x cube हमें एक फंक्शन दिए, हम अगर इसको एक बार डिफरेंशिएट करें तो ये क्या आएगा, 3x square। अगर हम फिर से इसको डिफरेंशिएट करें तो ये क्या आएगा, 3 × 2 x। अगर इसको फिर से डिफरेंशिएट किया जाए तो ये 3 × 2 × 1 x का पावर 0 आया। अब यहां पे गौर करो, ये y3 ये 3 × 2 × 1 आया, तो 3 × 2 × 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 factorial, और x का पावर 0 क्या होता, 1। तो तुम्हारे पास था y = x³, तो y = x³ था, तो जब इसका डिफरेंशिएशन हम 3 टाइम्स किए तो ये 3 factorial आया। y4 क्या जाएगा, 0, क्यों, क्योंकि 3 factorial एक कांस्टेंट है, तो इसका जब हम डिफरेंशिएशन फर्दर करते जाएंगे तो रिजल्ट क्या आता जाएगा, 0। सिमिलरली y5 अगर हम निकालेंगे तो ये भी क्या है, 0। तो यहां पे क्या देखें, y = x³ था, तो इसका मैक्सिमम हम कितना बार डिफरेंशिएट किए, 3 टाइम्स, तो y3 क्या आ गया, 3 factorial। अगर ये प्रॉब्लम हम और लेते हैं, y = x^5, तो यहां पे क्या ले लिया, y = x^5। गौर करो, इस पॉलिनोमियल फंक्शन का डिग्री क्या है, 5। इसको अगर हम एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो y1 5x^4 आएगा, y2 क्या आ जाएगा, 5 × 4 x^3, y3 क्या आ जाएगा, 5 × 4 × 3 x², फिर y4 क्या आएगा, 5 × 4 × 3 × 2x, और लास्ट में y5 क्या आएगा, 5 × 4 × 3 × 2 × 1 × x^0। यहां पे भी गौर करो, 5 × 4 × 3 × 2 × 1 आया, ये किसके बराबर होगा, 5 factorial के बराबर, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 factorial y5। देखो यहां पे y is equal to क्या था, x^5, तो इसका मैक्सिमम कितना बार डिफरेंशिएट किए, y 5 टाइम्स, तो 5 टाइम्स जब हम डिफरेंशिएट किए तो ये किसके बराबर आ गया, 5 factorial। अब अगर हम इसको फर्दर डिफरेंशिएट करते हैं, जैसे y6 लिखते हैं तो y6 क्या आ जाएगा, 0। y7 लिखेंगे तो y7 क्या आएगा, 0। तो यहां पे अगर हम एनालिसिस करें सही तरीके से तो हम क्या देखेंगे, 3 था, तो y3 टाइम्स डिफरेंशिएट किए तो 3 का फैक्टोरियल आया। यहां पे पावर 5 है तो 5 टाइम्स डिफरेंशिएट किए तो 5 फैक्टोरियल आया। जैसे ही 5 से एक्सीड किए डिफरेंशिएशन 0 आना शुरू हो गया, जैसे ही हम 3 से एक्सीड किए डिफरेंशिएशन क्या आना शुरू हो गया, 0। तो अगर मेरे पास y = x^n हो, क्या y = x^n, इसको अगर हम n टाइम्स डिफरेंशिएट करेंगे तो
तो ये क्या बनेगा n फैक्टोरियल, क्यों? क्योंकि यहां पे n है, इसे इसका n टाइम्स डिफरेंशिएट कर सकते हैं और n टाइम्स डिफरेंशिएशन क्या होगा n फैक्टोरियल। अब अगर इसको हम फर्दर डिफरेंशिएट करें yn प्लस 1 टाइम्स तो ये जीरो हो जाएगा, क्यों? क्योंकि yn क्या है हमारे पास n फैक्टोरियल और n फैक्टोरियल क्या कांस्टेंट और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है जीरो। सो yn प्लस 1 क्या हो गया जीरो, yn प्लस 2 क्या हो गया जीरो। तो यहां पे अगर y x का पावर n के बराबर है तो y क्या आएगा n फैक्टोरियल और उसके बाद अगर हम फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा जीरो। तो ये हो गया किसका x का पावर n का, ये हो गया nth ऑर्डर डेरिवेटिव किसका पॉलीनोमियल फंक्शन का। अब एक हम दूसरा फंक्शन लेते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन, जैसे हम एक फंक्शन लेते हैं y is equal to e का पावर ax। अगर मेरे पास y is equal to e का पावर ax है तो y equal to e का पावर ax का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे ये देखते हैं। यहां पे y is equal to e का पावर ax, सबसे पहले इसको हम एक बार डिफरेंशिएट किए तो एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन e का पावर ax। अब यहां पे चेन रूल से e का पावर ax का डिफरेंशिएशन करेंगे a, फिर से इसको डिफरेंशिएट किए तो a कांस्टेंट बाहर आ गया, e का पावर ax का डिफरेंशिएशन e का पावर ax और फिर ax का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा a, ये क्या आ गया a स्क्वायर into a का पावर ax y2। अब हम y3 निकालने जा रहे हैं, y3 क्या आएगा y3 a स्क्वायर में छोड़ दिए e का पावर ax का डिफरेंशिएशन e का पावर ax आया into a तो ये क्या आ जाएगा a क्यूब e का पावर ax y3। अब तीन बार डिफरेंशिएट कर चुके हैं, अगर इन तीनों डिफरेंशिएशन को अगर हम ध्यान से देखें तो हम एनालिसिस कर सकते हैं कि yn क्या होगा। यहां पे देखो y1 है तो यहां पे a का पावर क्या है 1, यहां पे देखो y2 है, y2 है तो a का पावर क्या है 2, यहां पे y3 है तो a का पावर क्या आ गया 3 और एक्सपोनेंशियल फंक्शन जैसा है वैसे ही रह गया। y1 में भी e का पावर ax है, y2 में भी e का पावर ax है और y3 में भी e का पावर ax है। फर्क केवल किस पे पड़ रहा है, ये 1 है तो a का पावर 1 आया, यहां पे 2 है तो a का पावर 2 आया, यहां पे 3 है तो a का पावर 3 आया। तो अगर इसी को हम आगे बढ़ाते चले जाएं तो yn क्या आएगा a का पावर n into a e का पावर ax। तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन का nth ऑर्डर डिफरेंशिएशन हो गया। अगर मेरे पास y is equal to e का पावर ax रहेगा इसका nth ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होगा a का पावर n into e का पावर ax। तो ये हो गया e का पावर ax का। अब हम बताने जा रहे हैं साइन के बारे में। अगर मेरे पास फंक्शन है y is equal to sin ax plus b, क्या y is equal to sin ax plus b, गौर करना यहां पे क्या y is equal to sin sin ax plus b, यहां पे sin का आर्गुमेंट क्या है ax plus b। सबसे पहले इसको एक बार डिफरेंशिएट करते हैं, sin का डिफरेंशिएशन क्या है cos ax plus b। अब इस ax plus b का डिफरेंशिएशन करते हैं तो ax plus b का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा a। तो ये y1 क्या बन गया a cos ax plus b। अब हम यहां पे क्या करेंगे, मेरे पास था क्या sin, डिफरेंशिएट किए किस में आ गए cos, तो हम cos से वापस मूव करने का कोशिश करेंगे sin। अब यहां पे देख सकते हो ये a है, हम cos को sin में क्या लिख सकते हैं sin pi by 2 plus ax plus b, क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि sin pi by 2 plus theta जो है वो किसके बराबर होता है cos theta के बराबर। ये ax plus b को हम theta की तरह ट्रीट कर रहे हैं, तो अगर ax plus b को हम theta की तरह ट्रीट करेंगे तो cos theta को क्या लिख सकते हैं sin pi by 2 plus theta। ये आया y1, इसको अगर हम फिर से डिफरेंशिएट करें y2, ये a बाहर, sin का डिफरेंशिएशन क्या है cos, यहां पे sin का आर्गुमेंट क्या है pi by 2 plus ax plus b, तो ये पूरा आर्गुमेंट यहां पे आ जाएगा ये pi by 2 plus ax plus b। अब चेन रूल से pi by 2 का डिफरेंशिएशन 0, ये ax plus b है, ax का डिफरेंशिएशन a plus b का डिफरेंशिएशन क्या है 0, तो यहां पे a आ गया, ये क्या आ जाएगा a स्क्वायर into cos pi by 2 plus ax plus b, ये क्या आ गया y2। अब इस cos को हम किस में चेंज करेंगे अगेन sin में चेंज करेंगे, गौर करो इस cos के लिए आर्गुमेंट क्या है pi by 2 plus ax plus b, इसको हम किस में चेंज करना चाह रहे हैं sin में, तो इसको हम क्या लिखेंगे a square
साइन पाई बाय टू प्लस इसको थीटा के नजरिए से देखते हैं तो ये क्या आ जाएगा पाई बाय टू प्लस ए एक्स प्लस बी. अब नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे ए स्क्वायर यहां पे पाई बाय टू है प्लस पाई बाय टू तो पाई बाय टू प्लस पाई बाय टू को हम लिख सकते हैं साइन टू पाई बाय टू प्लस ए एक्स प्लस बी. ये क्या आ गया तुम्हारे पास वाई टू. गौर करना y2 क्या है a स्क्वायर साइन के फॉर्म में आ गया a स्क्वायर साइन 2 पाई बाय 2 प्लस ax प्लस b. अब इस साइन के लिए आर्गुमेंट का काम कौन कर 2 पाई बाय 2 प्लस ax प्लस b. इसको एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं. सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में एक चीज याद रखना जब कभी भी तुमको फार्मूला डिराइव करना हो या फार्मूला निकालना हो तो उस केस में क्या करना है हमको n टाइम्स डिफरेंशिएट करना पड़ेगा. लेकिन n टाइम्स डिफरेंशिएट करते नहीं है हम तीन बार डिफरेंशिएट करते हैं तीन से चार टाइम्स डिफरेंशिएट करते हैं उसको अच्छे से देखते हैं उसके पैटर्न को पहचानते हैं उसके पैटर्न को देखते हुए हम वाई एन लिखते हैं मतलब उसका nth ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होगा उसके पैटर्न को देखते हुए हम लिखेंगे. जैसे यहां पर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक हम निकाले एक बार और निकालते हैं थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव तो ये क्या आ जाएगा वाई थ्री यहां पर कॉन्स्टेंट ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर बाहर. अब साइन का डिफरेंशिएशन करेंगे साइन का डिफरेंशिएशन क्या है कॉस फिर साइन किसका आर्गुमेंट है 2 पाई बाय 2 प्लस ax प्लस b का तो यहां पे कॉस किसका आर्गुमेंट हो जाएगा 2 पाई बाय 2 प्लस ax प्लस b. ठीक अब आर्गुमेंट का डिफरेंशिएशन करेंगे चेन रूल से 2 पाई बाय 2 का डिफरेंशिएशन क्या आएगा 0 ax प्लस b का डिफरेंशिएशन तो ax का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा a और b का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0. फिर से वापस इसको किस में चेंज करना पड़ेगा साइन में यहां पे a स्क्वायर है यहां पे a है तो ये क्या आ जाएगा y3 is equal to a cube फिर sin ये पूरा थीटा है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं ये cos थीटा के नजरिए से देखें तो cos थीटा को हम क्या लिख सकते हैं sin pi by 2 plus थीटा तो ये क्या आ जाएगा sin pi by 2 plus 2 pi by 2 plus ax plus b हो गया. अब नेक्स्ट स्टेप में ये क्या आएगा a cube sin यहां पे पाई बाई टू है यहां पे टू पाई बाई टू है तो पाई बाई टू प्लस टू पाई बाई टू क्या है थ्री पाई बाई टू प्लस ए एक्स प्लस बी. अब थोड़ा एनालिसिस करें यहां पे वाई थ्री है फिर यहां पे क्या वाई टू है और यहां पे क्या है तुम्हारे पास वाई वन. गौर करना वाई वन है तो ए का पावर वन आया वाई टू है ए का पावर टू आया वाई थ्री है ए का पावर थ्री आया सब में साइन यहां पर भी साइन यहां पे भी साइन और यहां पे भी साइन आया फिर यहां पे जब ax plus b y1 में भी है y2 में भी ax plus b है और y3 में भी ax plus b है चेंज क्या कर रहा है यहां पे 1 पाई बाई 2 है यहां पे y2 इधर 2 पाई बाई 2 आया यहां पे y3 इधर क्या है 3 पाई बाई 2 तो अगर इसी पैटर्न में आगे बढ़े तो y4 क्या है a का पावर 4 यहां पे साइन होगा 4 पाई बाई 2 प्लस ax plus b होगा तो अगर इसको हम आगे बढ़ाते चले जाए तो yn किसके बराबर हो जाएगा a का पावर n ये क्या आ जाएगा sin n पाई बाई 2 प्लस ax प्लस b. ये हो गया किसका डिफरेंशिएशन y इज इक्वल टू sin ax प्लस b का nth ऑर्डर डेरिवेटिव आया nth ऑर्डर डेरिवेटिव क्या आ गया yn इज इक्वल टू a का पावर n sin n पाई बाई 2 प्लस ax प्लस b. अब हम देखने जा रहे हैं कि अगर मेरे पास cos फंक्शन रहेगा तो उसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे. जैसे y is equal to cos ax plus b हम लेते हैं तो अगर y is equal to cos ax plus b हम लेते हैं ये ले लिया y is equal to cos ax plus b इसका एक बार डिफरेंशिएट जैसे साइन में किए थे ठीक वैसे ही लेकिन cos का डिफरेंशिएशन माइनस होता है तो ये माइनस आ जाएगा sin ax plus b आएगा फिर ax plus b का डिफरेंशिएशन करेंगे चेन रूल से तो बाहर क्या आ जाएगा a यहां पे cos था यहां पे आ क्या गया sin अब इस sin को किस में कन्वर्ट करेंगे cos में जैसे कि उसमें कर रहे थे तो ये क्या आएगा माइनस a या फिर यहां से माइनस हटा दें ये a sin को हम क्या लिख सकते हैं ये sin थीटा तो इसको हम क्या लिख सकते हैं cos pi by 2 plus ax plus b. जैसा कि जानते हो cos pi by 2 plus थीटा pi by 2 plus थीटा कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट और सेकेंड क्वार्टर में कॉस क्या होता है नेगेटिव इससे ये नेगेटिव गायब हो गया. अब ये कॉस के फॉर्म में आ गया इसको हम फिर से डिफरेंशिएट करें y2 कॉस का डिफरेंशिएशन अगेन माइनस साइन पाई बाय 2 प्लस
ax प्लस बी, यहां पे a ऑलरेडी पहले से है और चेन रूल से पाई बाय 2 का डिफरेंशिएशन 0, ax का डिफरेंशिएशन क्या आएगा a और b का डिफरेंशिएशन क्या आएगा 0. गौर करो यहां पे a और यहां पे a, a into a क्या बनेगा a स्क्वायर, तो ये माइनस a स्क्वायर sin पाई बाय 2 प्लस ax प्लस b आ गया. अब वापस इस साइन को किस में चेंज करेंगे, cos में, तो ये आ जाएगा क्या a स्क्वायर cos, इस पूरे को हम थीटा की तरह देख रहे हैं, पूरे को किसकी तरह देख रहे हैं थीटा, तो ये sin थीटा होगा, तो sin थीटा और cos में क्या लिखेंगे, cos पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2 प्लस ax प्लस b हो गया. अब ये a स्क्वायर cos, यहां पे पाई बाय 2 है प्लस पाई बाय 2, तो पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2 क्या बनेगा 2 पाई बाय 2 प्लस ax प्लस b. गौर करना यहां पे फिर से वही पैटर्न आ रहा है, यहां पे y1 है तो a का पावर 1 आया cos, क्योंकि cos का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, और ये ax प्लस b एज इट इज, यहां पे भी ax प्लस b था, देखो यहां पे भी ax प्लस b है, और y1 के वजह से क्या आ गया 1 पाई बाय 2 है, y2 जब हम निकाल तो क्या आया a स्क्वायर, यहां पे 1 था तो a का पावर 1, यहां पे 2 है तो a का पावर 2, cos तो यहां पे भी cos, आर्गुमेंट में देखो ax प्लस b, आर्गुमेंट में ax प्लस b, चेंज क्या कर रहा है, y1 है तो यहां पे पाई बाय 2 आया, y2 तो यहां पे क्या है 2 पाई बाय 2. तो अगर हम थोड़ा सा सोचे इसके बारे में कि y3 क्या आएगा, तो यहां से हम डायरेक्ट सोच सकते हैं y3, तो देखो यहां पे y2 था तो a स्क्वायर आया, y3 है तो यहां पे क्या आएगा a क्यूब, cos है तो cos ही रहेगा, फिर 2 है तो 2 पाई बाय 2 आया, यहां पे 3 है तो क्या आएगा 3 पाई बाय 2, तो 3 पाई बाय 2 आ गया, प्लस ये आर्गुमेंट ax प्लस b एज इट इज है, तो ax प्लस b को यहां पे रख दिए, तो y3 क्या है a क्यूब cos 3 पाई बाय 2 ax प्लस b. तो अगर हम इसी पैटर्न में आगे बढ़ते चले जाए तो मेरे पास yn क्या आ जाएगा, a का पावर n आएगा, फिर cos n पाई बाय 2 आ जाएगा प्लस ax प्लस b. तो ये तुम्हारा nth ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया किसका, cos ax प्लस b का. तो इस क्लास में अभी तक हम क्या देखे हैं कि सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का कुछ नोटेशन के बारे में बताएं, उसके बाद बताएं y is equal to x का पावर n का, उसके बाद बताएं y is equal to e का पावर ax का, फिर हम बताएं y is equal to sin ax plus b का और y is equal to cos ax plus b का. नेक्स्ट क्लास में हम बताएंगे एक y is equal to 1 by ax plus b का, फिर y is equal to log ax plus b का, और इसके बाद बताएंगे y is equal to e का पावर ax into sin dx, फिर हम आ जाएंगे न्यूटन सीरीज मेथड में. आज की क्लास में बस इतना ही.